इस घड़ी का इंतजार था, जिस पल के लिए हम वेट कर रहे थे वो चीज़ हमें देखने को मिल चुकी है, यानी कि टाइगर 3 का टीजर हमें देखने को मिल चुका है, जिसमें टाइगर मैसेज देते हुए देखने को मिल रहा है। पहले तो इसको जवान मूवी के लास्ट में देखने का वादा किया गया था लेकिन नहीं दिखाया गया, लेकिन हाल फिलहाल दिखाया गया। एंड काफ़ी वर्षों में CGI VFX काफ़ी अच्छा यूज हुआ है, तो हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कुछ सीन्स के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा कि ये टीजर स्टार्ट होता है तो हमें कुछ रिकॉर्डिंग स्क्रीन दिखाई देती है, जहाँ पर इसका निकनेम टाइगर और हेडक्वार्टर दिखाई देता है, रो एजेंसी वाला हेडक्वार्टर। तो ये ऑब्वियसली रो एजेंसी वालों को ही मैसेज कर रहे होंगे। एंड टेलीकास्ट पूरी इंडिया के अंदर हो रहा है, एंड पाकिस्तान में हो रहा है, एंड टर्की में, तो पाकिस्तान में फील हो रहा है क्योंकि जोया पाकिस्तान से थी। एंड इसमें कुछ सीन हमें दिखाए जाते हैं जिसमें हमें इसको ट्रेटर यानी कि यहाँ पर गद्दार दिखाया जाता है, तो हो सकता है कोई विवाद हुआ होगा पाकिस्तान और रो एजेंसी के बीच में, तो जिस वजह से इसको गद्दार यहाँ पर बताया जा रहा है, और सलमान खान ने कैटरीना कैफ का टाइम वहाँ पर साथ दिया होगा। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर ब्रिज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ आर्मी लोग यहाँ पर आकर सलमान खान को यहाँ पर पकड़ लेते हैं, एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छे सीन देखने को मिलते हैं। एंड इसके बाद बहुत सारे सीन देते हैं जिसमें सलमान खान में फाइट बैक देते हैं, एंड यहाँ से जंप भी कर जाते हैं बाद में। तो यहाँ पर आप लोग टर्की के शॉट देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर सलमान खान यहाँ पर एक कुछ बटन टाइप का दबा रहा होता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर इसका टर्की का जो टावर है वो देखने को मिलता है, और उसके बाद हमें यहीं पर अस्तबल में फाइट देखने को भी मिलती है, जो हो सकता है ऑब्वियसली इन लोगों ने यहाँ पर प्लान किया होगा पहले, एंड यहाँ पर इस बटन को दबाया होगा जिससे इसमें बम ब्लास्ट वगैरह होते होंगे। एंड यहाँ पर कैटरीना कैफ और सलमान खान दोनों फाइट करते हुए नजर आते हैं। एंड यहाँ पर पठान का कैमियो कहाँ पर हो सकता है एंड कहाँ पे टेक प्लेस करेगा, तो ये तो अभी हमें पता नहीं है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये बॉर पठान और जो इनकी टाइगर जिंदा है मूवी के बाद, मतलब जो इवेंट टेक प्लेस करने वाला है एंड इसके बाद की कहानी हमें देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर जो यहाँ पर पठान के बाद का जो यहाँ पर दिखाया जाता है, एंड यहाँ पर जो सलमान खान ने जैकेट वगैरह पहनी रखी है ये वही है जो पठान मूवी में दिखाई गई थी, सलमान खान जो एक ट्रेन चेज में देखने को मिले थे, तभी से हो सकता है वहीं के बाद का ये शॉट होगा। एंड उसके बाद ये टर्की वगैरह में आ जाते होंगे, तो यार कन्फर्म तो नहीं है क्योंकि सेम कपड़े तो हम भी पहनते हैं, एक भी कोई भी ओकेशन हो सेम कपड़े ही पहन के जाते, तो ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कोई और शॉट होगा तो इसके बाद हमें देखने को मूवी में ही मिलेगा। एंड उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आंसर मिल चुके हैं, यानी कि इसकी 5th मूवी यानी 5th इंस्टॉलमेंट होने वाली है, तो इसकी सबसे पहली मूवी हमें एक टाइगर देखने को मिली थी, एंड इसके बाद टाइगर जिंदा है, एंड इसके बाद हमें बॉर देखने को मिली थी, फिर इसके बाद पठान आई, एंड इसके बाद हमें टाइगर 3 देखने को मिलने वाली है, तो ये मूवी काफ़ी अच्छी होने वाली है। एंड इसके बाद भी हमें बॉर 2 एंड पठान वर्सेस टाइगर भी देखने को मिलेगी जो 2026 में आएगी, तो ये काफ़ी अभी लंबा टाइम है। एंड इसके बाद इसका और क्या यूनिवर्स में क्या देखने को मिलने वाला है तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा, बाकी टाइगर 3 से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, एंड इसके रिगार्डिंग और भी कोई डिटेल हमें मिलती है तो मैं जरूर आपके लिए वीडियो बनाकर बताऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, एंड ऐसे वीडियो देखने के लिए और भी आप लोग वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आज ही एनिमल मूवी का जो है टीजर अनाउंसमेंट या फिर टीजर डाला गया होगा, वो वीडियो मैं कल तक शायद डाल दूंगा आप लोग देखने के लिए, उसका डीकोड वीडियो मैं कल डालूंगा, देखते हैं वो कैसा है, एंड उसके बारे में काफ़ी हाइप तो है, एंड हमें टीजर देखने के बाद क्या पता चलता है, उसमें भी शायद बाप बेटे की कहानी देखने को मिलने वाली है, एंड उसमें भी हमें एक अच्छा एंगल देखने को मिलेगा जिसमें एक रणवीर कपूर काफ़ी अच्छे एक्टर के रूप में देखने को मिलने वाले हैं, उनकी एक गैंग वैंग टीम भी रहने वाली है उसमें, एंड वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड भी हैं, तो देखते हैं कैसा होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।